तो हे गाइस, मैं हूँ के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सर फेस फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं फ्रेंड और आपने जो संगठित मजदूर का जो लेबर कार्ड है फ्रेंड्स आपने बनवा लिया है, जो कि भवन निर्माण कर्मकार के अंदर आता है, यदि आपने उस कार्ड को बनवा लिया है और संगठित मजदूर का आपके पास जो है कि कार्ड है फ्रेंड, और यदि आपने जो प्रधानमंत्री निर्माण जो आवास योजना है फ्रेंड उसके रिगार्डिंग आपने जो है कि फॉर्म सबमिट कर चुके हैं फ्रेंड, ठीक है। जो आवास योजना होता है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके लिए यदि आपने फॉर्म जो कि सबमिट कर दिया है तो फ्रेंड उसका जो स्टेटस है आप कैसे चेक करेंगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड। इसी का पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं। तो यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड इसी तरीके के छत्तीसगढ़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड क्या करना है आपको, कोई भी एक वेब ब्राउजर लेना है सिंपली तरीके से, और यहाँ पर सर्च करना है सीजी लेबर, ठीक है। और याद रखिएगा फ्रेंड, जो योजना होता है प्रधानमंत्री निर्माण आवास सहायता योजना जो होता है फ्रेंड, ये जो होता है संगठित मजदूर के लिए होता है, जो भवन निर्माण कर्मकार वाले जो मजदूर होते हैं, ठीक है, ठेका मजदूरी काम करने वाले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे आप सीजी लेबर सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए सीजी लेबर डॉट एनआईसी डॉट इन जो लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका वेबसाइट ओपन हो गया है पूरी तरीके से। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली तरीके से आना है, यहाँ पर देख सकते हैं भवन एवं अन्य सहनिर्माण, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो इस सेक्शन में देखिए फ्रेंड, आवेदन करें में तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आवेदन की स्थिति देखना है तो योजना की स्थिति देखने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करिएगा फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर योजना का नाम आपको आ रहा है फ्रेंड और आवेदन क्रमांक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर योजना का नाम जो आ रहा है, इसमें चुनिए में आएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में आएगा फ्रेंड मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना, ठीक है। तो फ्रेंड यदि आप अपना अपनी भूमि पे कोई आवास बनवा रहे हैं, उसके लिए बैंक से ऋण लेके घर बनवा रहे हैं फ्रेंड, तो इसमें क्या होगा, सरकार आपको कुछ सहायता राशि प्रदान करेगी आपके ऋण को चुकाने के लिए। तो आपको सिंपली तरीके से इस योजना पे क्लिक करेंगे, और फ्रेंड जब आज जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपने जब फॉर्म सबमिट किया रहा होगा तो यहाँ पर सिंपली तरीके से जब ये ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, जो आवेदन क्रमांक होता है उसको आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिंपली तरीके से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आवेदन क्रमांक जो आपने फॉर्म सबमिट किया था उस समय यहाँ पर देखिए पंजीयन क्रमांक आपको मिला होगा, तो उस पंजीयन क्रमांक को आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके फ्रेंड जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे, जो आवेदन क्रमांक है आवास योजना का आवेदन क्रमांक, उसको एंटर करेंगे और स्थिति देखिए पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये वाला जो है कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ भवन एवं सहनिर्माण कर्मकार मंडल, तो इसमें आपका पंजीयन क्रमांक वगैरह, आपका अप्लाइंग डेट वगैरह आ जाएगा, और आपका फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में आपको दिखाई देगा योजना आवेदन की जांच नहीं हुई है, कृपया प्रतीक्षा करें। तो फ्रेंड यदि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में रहेगा तो आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ हिंदी में आएगा, और यदि फ्रेंड आपका जो है कि फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा तो यहाँ पर स्वीकृत करके लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और यदि रिजेक्ट हो गया होगा तो यहाँ पर फ्रेंड अस्वीकृत करके आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरीके से फ्रेंड जो है कि आप अपना किसी भी योजना को आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है, आपने जो आवेदन भरा था, वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड जो है कि किसी भी छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग जो भी लेबर डिपार्टमेंट के अंदर योजना है गवर्नमेंट की, इसकी स्थिति को आप देख सकते हैं सिंपली तरीके से। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।